एक बार फिर चर्चा में आई वसुंधरा राजे। मोदी ने वसुंधरा राजे से फिर ली आंखें, तो क्या वसुंधरा को भाजपा करना चाहती है साइडलाइन? क्या राजे हो जाएंगी भाजपा से आउट? आपको बताते चले, राजस्थान की सियासत में वसुंधरा राजे इस बार बीजेपी के चेहरे के रूप में नहीं बल्कि पार्टी में अनदेखी के चलते चर्चा में हैं। खास तौर पर पीएम मोदी के मंचों पर राजे की मौजूदगी पर सबकी नज़र है। इस साल के लगभग सभी दौरे में मोदी के मंच पर कभी राजे चुप रहीं तो कभी इग्नोर हुई। ऐसा लगा कि 2 अक्टूबर को पीएम की चित्तौड़गढ़ की रैली में शायद नज़ारा बदल जाए, पर सब कुछ जस का तस दिखा। न राजे को मंच पर बोलने का मौका मिला और ना ही खास तवज्जो उन्हें मिली जो अक्सर प्रदेश में पार्टी के मंचों पर मिला करती थी। पीएम के भाषण में भी पूर्व सीएम राजे का दूर दूर तक जिक्र नहीं था। ये पहली बार नहीं था कि पीएम मोदी ने इस बार राजस्थान चुनाव में चेहरा भी पार्टी सिंबल कमल को बनाया है। इस बार मंच पर एक और नज़ारा देखने को मिला। पीएम मोदी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का जिक्र किया। वर्तमान गहलोत सरकार को खूब कोसा और उनके हारने का दावा किया, पर पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार और पूर्व सीएम राजे का जिक्र तक नहीं किया। ये पहली बार नहीं हुआ है, पीएम मोदी इससे पहले भी ऐसा ही करते आए हैं। वहीं आपको बता दें, मंच पर पीएम मोदी का भाषण हुआ, वे वापस मंच पर आए, वहां मौजूद सारे नेताओं को अपने करीब आने का इशारा किया ताकि एक सामूहिक तस्वीर खिंचवाई जा सके। इसके बाद मोदी ने हाथ जोड़े सबका अभिवादन किया, लेकिन वसुंधरा की ओर देखा तक नहीं। इधर महारानी मंच पर अवाक खड़ी रह गईं।